हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेमास किचन वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मेथी पराठा का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों में मेथी पराठा एक बहुत ही पॉपुलर डिश है। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ ये पराठा बहुत अच्छा बनता है, वो टिप्स मैं बनाने के वक्त बताती जाऊंगी। सो लेट्स मूव टू मेमास किचन टू प्रिपेयर मेथी पराठा। मेथी पराठा बनाने के लिए मैंने लिए है एक बंडल मेथी साग। इससे हम मेथी पत्ते को इस तरह निकाल लेंगे। मेथी पत्ता से ही पराठा बेहतर बनता है। हम स्टेम इस्तेमाल नहीं करेंगे पराठा बनाने के लिए। करीब एक कप मेथी पत्ता हम ले लिए हैं। अब इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। बाउल में पानी और करीब एक चौथाई छोटी चम्मच नमक ऐड करके मेथी पत्ते को करीब 20 मिनट के लिए डुबो के रखेंगे। इसमें क्या होता है, मेथी के अंदर जो कड़वापन है वो निकल जाता है। पराठा बहुत ही बढ़िया बनता है। एक दूसरा मिक्सिंग बोल में हम एक कप और एक चौथाई कप आटा ऐड करेंगे। उसके साथ एक चौथाई छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। करीब एक तिहाई छोटी चम्मच अजवाइन हम इस तरह उंगलियों से मैश करके ऐड कर देंगे और दो चुटकी हींग ऐड कर देंगे। इसे डाइजेशन अच्छा होता है। और हम करीब आधा छोटी चम्मच घी ऐड कर देंगे। अंत में आधा छोटी चम्मच गुड़ पाउडर ऐड कर देंगे। गुड़ पाउडर ऑप्शनल है, पर मेथी के साथ गुड़ का कॉम्बिनेशन पराठा का टेस्ट ज़रूर एनहांस करता है। इन सारे चीज़ों को आटे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसे मोयाम देना कहते हैं। हम तब तक मोयाम देंगे जब तक आटा इस तरह मुट्ठी में आ जाए। ये देखिए, इसके लिए करीब एक से डेढ़ मिनट लगता है। इधर मेथी पत्ता भीग गया है, इसे हम नमक पानी से निचोड़ करके निकाल लेंगे। इस तरह, ये देखिए, अब इसे हम आटा में ऐड कर देंगे। ये देखिए, आटा के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेथी पत्ते को काटा नहीं है। आप चाहे तो नाइफ से छोटे छोटे टुकड़े में चॉप कर सकते हैं। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करते रहेंगे और हाथों से इस तरह मिक्स करते रहेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मेथी पत्ते में ऑलरेडी काफ़ी सारा पानी है। पानी ज़्यादा हो जाने का डर भी तो है। तो हम ये पराठा के लिए डो बना करके तैयार कर लिए हैं। ये डो ज़्यादा सख्त भी नहीं, ज़्यादा नरम भी नहीं। इसे हम ढक करके 20 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद इसे दो हिस्से में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें इतना आटा से दो पराठा ही बनानी है। तो इसे गोल करके हम चपटा बना करके रोलिंग पिन के सहायता से हम इसे बेल लेंगे। पहले हम एक छोटा सा गोल शेप देंगे। अब हम पराठा के बीच में बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए, करीब एक चौथाई छोटी चम्मच घी ऐड करेंगे। ये मेथी पराठा बनाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो पराठा बहुत ही अच्छा खस्ता बन करके तैयार होगा। अब दोबारा इसे बेल करके आप पराठा का शेप देके पराठा बना सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा और घी ऐड करूँगी। अब हम इसके सेंटर में थोड़ा सा घी और लगा लेंगे। इसे फोल्ड कर देंगे एक साइड से, दोबारा थोड़ा सा घी लगा लेंगे, दोबारा फोल्ड करेंगे और फिर से हर एक फोल्ड में हम इस तरह थोड़ा थोड़ा घी लगा करके पराठा को इस तरह फोल्ड कर लेंगे।
आप इसे बेल करके हम तैयार करेंगे। किसी भी शेप में इस परांठा को बनाया जा सकता है। परांठा का शेप में नहीं स्वाद पर ज़्यादा ध्यान जाता है। अब एक तवा गरम करेंगे और गरम तवा पर हम ये परांठा ऐड कर देंगे। करीब 1.5 मिनट हम एक साइड सेक लेंगे। जब ऊपर से इस तरह गोल गोल दिखने लगेगा तब हम इसे पलट देंगे। अब थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और दोनों साइड्स परांठे का दोनों साइड्स हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारा बहुत ही टेम्प्टिंग स्वादिष्ट मेथी पराठा बन करके तैयार है। आप इस मेथी पराठा को दही अचार या किसी भी कारी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दूसरा पराठा भी हम फटाफट बना लेंगे। बच्चों को इस पराठा को बटर के साथ सर्व करें, बच्चों बहुत इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मेथी पराठा का रेसिपी। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।